टेक्नोरिज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, टेक्नो का एक और हथियार मार्केट में आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो स्पार्क 20। टेक्नो स्पार्क 10 काफ़ी सक्सेसफुल था, अब उन्होंने टेक्नो स्पार्क 20 को लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर याद रहे दोस्तों, मैं इसका एक गिव अवे रख रहा हूँ जो कि हमारे ट्विटर पर होने वाला है, जैसे कि हमने पहले भी किया था। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में ट्विटर की और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए। जैसी वीडियो अभी लाइव है ना, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ट्विटर पर जाकर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते। तो एक लकी विनर को मैं टेक्नो का स्पार्क 20 बहुत ही जल्दी दे दूंगा ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आप नॉर्मल कमेंट्स करिए, यहाँ पर उल्टा पुल्टा अच्छे कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बॉक्स में आपको मिलता है, पहले तो बॉक्स के ऊपर एक स्पेशल चीज़ मेंशनड है, यहाँ पर OTT प्ले प्रीमियम जो है वो लगभग बताया जा रहा है कि 5000 के आसपास उसकी एक्चुअल प्राइस है, वो इस फ़ोन के साथ आपको फ्री मिल रहा है, तो ये चीज़ आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी बॉक्स में आपको फ़ोन मिलता है, एक बैक केस है, चार्जर है 18 वॉट का, और आपको टाइप सी केबल मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको प्लास्टिक है और आपको फ्रेम्स भी प्लास्टिक है, और यहाँ पर वेट थिकनेस भी इसका अच्छा है, 194 ग्राम्स, 8.4 mm की थिकनेस, जहाँ पर आपको चार अलग अलग कलर्स भी देखने को मिलते हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने इस प्राइस में कलर ऑप्शन दिया है, और साथ ही साथ आपको इसमें साइड में फुल साइज स्लॉट मिलता है सिम का। नीचे आपको 3.5 mm जैक, माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे, एक ऊपर, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, जो बहुत अच्छी बात है कि सारी ब्रांड्स आजकल बजट में अंडर 10,000 कैटेगरी पर डुअल स्टेरियो स्पीकर्स दे रही है। इनका स्पीकर इंप्रूव्ड भी है, 400% तक मैक्स वॉल्यूम आपको प्रोवाइड करेगा। अब क्या ना, मेरे को माइग्रेन है, डांस नहीं कर सकता, वरना मैं हमेशा के लिए गोल गोल घूमता रहेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि बहुत ही फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, हैप्टिक्स वगैरह सब अच्छा है, और IP53 आपको रेटिंग्स भी यहाँ पर दी गई है। हाँ, बट माइक यहाँ पर सिंगल है, डुअल माइक नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें, MediaTek Helio G85, जी हाँ पुरानी चिपसेट है 12 nm वाली, लेकिन काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है। थ्रॉटलिंग बहुत कमाल का था, 94%, कम ऐसे फोन्स मैंने देखा हो जो इतना अच्छा थ्रॉटलिंग यहाँ पर करते हैं, ये उनमें से एक है। और जहाँ पर आपको LPDDR4X eMMC 5.1 दिया गया, क्योंकि ये चिपसेट ही उतना स्टोरेज सपोर्ट करती है। मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस अच्छा था, नॉट बैड, क्योंकि रैम स्टोरेज सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलता है, और उसी के साथ एंटीटू स्कोर्स भी बहुत अच्छे थे, 270,000 के आसपास यहाँ पर आया था। गेमिंग करना है, Helio G85 झेल सकता है, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, अब हाइपर सेट करके खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, थर्मल्स भी अच्छे हैं, और आपको अगर इसमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क सारे करने हैं, वो आप फ्लूडली सब कुछ कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.56 इंच की HD प्लस की आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है, पंच होल डिस्प्ले, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, अलग से आपको पांडा स्क्रीन प्रोटेक्शन भी दी गई है। चिन और पंच होल प्राइस के हिसाब से सही है, और उसी के साथ 90Hz की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, तो ये भी यहाँ पर लगा हुआ है, और मैक्स 480 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। इनफैक्ट इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो अच्छा है, इंडोर की विजिबिलिटी, व्यू एंगल्स आउटडोर में भी मुझे बुरा नहीं लगा, मतलब प्राइस के हिसाब से जो पैनल यूज़ किया वो बढ़िया है। और अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजॉन देखना है, तो आप दोनों में HD का सपोर्ट मिलता है, तो वो कॉन्टेंट का वहाँ पर मजा ले सकते हैं। ओवरऑल अच्छी साइज डिस्प्ले, ज़्यादा यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन आपको डायनेमिक पोर्ट मिलता है एज ऑलवेज, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ वो स्क्रीन के ऊपर फेस अनलॉक के एनिमेशंस चाहिए, बैकग्राउंड कॉल, जैसे कि आईफोन्स में हमें डायनेमिक आइलैंड मिलता है, कुछ वैसे ही उन्होंने रेप्लिकेट किया है। चार्जिंग एनिमेशन है, लो बैटरी रिमाइंडर वगैरह की चीजें जो आपको एक स्पेशल फंक्शन ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स में, वहां पर जाके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड 13 चलता है, इनका हाई OS आपको मिलेगा, और वो भी 13 पर है, और इसमें 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस, ईयरली OS के फिलहाल के लिए कोई बात नहीं करिए कि एंड्रॉइड 14 आपको कितना जल्दी मिलेगा। कुछ ब्लोटवेयर हमने देखा है, इनका खुद का भी पाम स्टोर वगैरह है, बट आप इन सबको डिजेबल कर सकते हैं, और आपको स्टॉक डायलर मिलता है अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। कैमरा बहुत ही इंप्रेसिव है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइस के हिसाब से फर्स्ट इन सेगमेंट है। जी हाँ, 50 मेगापिक्सल आपको पीछे प्राइमरी सेंसर मिलता है, f1.6 का एपर्चर और रिंग फ्लैश आपको मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2K वीडियो का सपोर्ट मिलता है 30 fps, और सेल्फी कॉम्बिनेशन कमाल है, 32 मेगापिक्सल की, जी हाँ 32 मेगापिक्सल सेल्फी, यहाँ पर भी 2K वीडियो आपको निकालने का मौका मिलता है, सुपर नाइट मोड दिया है, सेल्फी में पोर्ट्रेट वगैरह, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है इस फोन की, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टेक्नो बहुत इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने कैमरों को लेकर। मैं पहले कंप्लेंट्स करता था, लेकिन इस बार कंप्लेंट का उन्होंने मौका नहीं दिया, काफ़ी अच्छे फोटोज आए। अगर आप देखोगे ये सब 10,000 फोन है, फोटोज काफ़ी अच्छे निकल कर आए। अगर आप वाइब्रेंसी देखोगे, डायनामिक रेंज देखते हो, पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हो, जूम शॉट्स देखते हो, जो आपको मिलते हैं आप वो सब कुछ निकाल सकते हैं, और सेल्फी भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। नो डाउट आपको शार्पनेस और इसमें जो जूम करके जो क्वालिटी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। नाइट में रेकमेंड नहीं करूंगा, बट नाइट में भी हमने एक सेल्फी लिया था, और ये एक्चुअली में बहुत अच्छी निकल कर आई है,
जो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हाँ भाई बजट में काफी अच्छा काम किया उन्होंने। नाइट में भी कुछ रियर फोटोज भी आप देख सकते हैं अगर आपको निकालना है। बाकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, रियर सेल्फी आपको दोनों दिखा रहा हूँ। सेल्फी कुड हैव बीन बेटर, लेकिन ओवरऑल फोटो क्वालिटी से मैं इंप्रेस हूँ। और अगर अंडर 10,000 की बात करें तो उन्होंने कैमरे में काफी अच्छा काम किया। बाकी गूगल ड्राइव पर लिंक हमने नीचे छोड़ दिया है। बैटरी की बात करते हैं, आपको 5000 mAh की बैटरी है, 18W की चार्जिंग। लेकिन बैटरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहले तो आपको उसमें चार्जिंग के लिए लगभग 2.5 से 2.5 घंटा लगेगा, क्योंकि 18W है और 5000 है, तो ये बेसिक कॉम्बिनेशन है, उसमें अपना टाइम लग ही जाएगा। ड्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने सुबह के 7:30 बजे के आसपास हमने इसको 100% चार्ज किया। 3 घंटा हमने 1440p पे 60fps पे YouTube पर फुल ब्राइटनेस पर वीडियो लगा के छोड़ा। 3 घंटे बाद ये 77% पर आ गया, मतलब बहुत कम ड्रेन हुआ यहाँ पर। लेकिन जब हमने 10:05 पर इसको नॉर्मल छोड़ दिया था और हमने 12:15 बजे मतलब 1 hour 45 minutes के बाद स्टैंड बाई में इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद जब चेक किया तो सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन हुई थी। स्टैंड बाई में सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। इससे पता चलता भाई पूरा दिन आपको बैकअप इसमें आराम से मिलेगा। बाकी आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो डेफिनेटली ये एक 4G फोन है। 4G आपको इसमें डुअल वोल्टी मिलता है, डुअल सिम अगर है इसमें तो आपको दोनों में वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। वाइडबैंड L1 भी यहाँ पर दिया है, और साथ ही साथ आपको कैमरा 2 API है, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, वाईफाई 5 है, 2.45 GHz सपोर्ट करता है क्योंकि चिपसेट लेके आई है, और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, इसकी प्राइस की। आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 8GB RAM 128GB स्टोरेज, और सेगमेंट्स फर्स्ट 8GB RAM 256GB स्टोरेज। जी हाँ, 256GB स्टोरेज। जो बेस वेरियंट है वो 10,500 की प्राइस है, बट 1000 रुपये बैंक पर वो ऑफ दे रहे तो वो 9,500 का हो गया, तो अंडर 10,000 पर आ जाता है। और जो हाइयर वेरियंट है वो 11,500 का है, उसके भी 1000 ऑफ मिलकर वो 10,500 का हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके की प्राइस है। रैम एक्सपांशन वगैरह की चीज़ें भी आपको मिलती है, अगर आपको उनसे थोड़ा स्टोरेज ज़्यादा है ना तो आप थोड़ा बहुत वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप है, और काफ़ी अच्छा आपको डिस्प्ले और बैटरी, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपकी ये प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली टेक्नो स्पार्क 20 आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। बाकी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्विटर पर आप जाके कर सकते हैं। ऐसे बजट अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर मिलते हैं, वो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।